हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। पे आज ये सेक्शन रे आम मैंने ओडिशा पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर अवेयरनेस बेस्ट 50 एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। ओके पे डिस्कशन करिबा पूर्व गोटे इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट करिबा को जाउची। देख, ओडिशा पुलिस कांस्टेबल आमर न्यू बैचेस स्टार्ट हबा को जाउची 12 जनवरी। ओके तो एडमिशन शेष डेट हूँ जोड़ा कि 13 जनवरी। आउ या रिगार्डिंग भी तुम्हें माने जदि किसी इनफर्मेसन जानवाक चाहो ताले तले दि जा नंबर में तुम्हें माने कॉल करके डिटेल इनफर्मेसन पाइपर। मैंने ये आम सक्सेस स्टोरी जोटा कि एक्साइज कनेस्टेबल क्वालिफाई कर। ठीक अच्छे पे आमर ओडिशा पुलिस कांस्टेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रे आमर जगत सिंहपुर ब्रांच रे ऑफलाइन रे बैचेस स्टार्ट हो सारी। आउ न्यू बैचेस होची 12th होची जनवरी रे स्टार्ट होबा को जाउची। आउ ऑनलाइन मोड रे ऑलरेडी तुम्हारे बैचेस स्टार्ट भी हो सारी, एवं न्यू भी बैचेस स्टार्ट होबा को जाउची। आउ या रिगार्डिंग भी तुम्हें माने जदि किसी इनफर्मेसन जानवाक चाहो ताहले तुम्हें माने ए नंबर रे कॉल करके डिटेल इनफर्मेसन पाइपर। ओके तो ठीक अच्छे पे देख आम फर्स्ट क्वेश्चन। ओके देख तुम मानक सामने फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे पे तुम्हें भी जदि क्लास PDF पाइबा को चाहो ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया है, से लिंक को क्लिक करी अथवा तुम्हें माने आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करी ए क्लास रो PDF हुई आंसर पाइपर। ओके पे आज सेक्शन में मुझ बेस जोटा कि 50 MCQ डिस्कसन करी तुम एग्जाम बहुत इंपोर्टेंट। ओके देख आम कौन अच्छी फर्स्ट क्वेश्चन। In MS PowerPoint, in order to see all the slides on one screen use, आमे जदि सबुतक स्लाइड गोटे स्क्रीन रे देखिबा को चाहिबा ताले कौन यूज करिबा स्लाइड सॉर्टर। प्लान देखो रीडिंग मोड व्यू अछि, ओके स्लाइड शो व्यू अछि, जदि आमे कहिबा स्लाइड शो व्यू अछि, देन होछि हमर नॉर्मल व्यू अछि, आ गोटे होछि कोन स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर देखो व्यू स्लाइड सॉर्टर दैछि, व्यू स्लाइड दैछि, व्यू मास्टर देची, व्यू स्लाइड शो ताले आम कौन। ओके तो पे तुम जो मैंने कहो ऑप्शन नंबर ए बोली समस्त आंसर करेक्ट अच्छी। जदि आम कौन करवा स्लाइड रे कौन करवा ये गोटे स्लाइड रे सबुतक स्लाइड माने गोटे पेज रे सबुतक तुम्हें जी सारा कर मानने स्लाइड से ही प्रेजेटेसन रुतक स्लाइड आभेलेबल हम तो ऑप्शन नंबर जो मैंने कहो समस्त आंसर करेक्ट अच्छी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। The dash features of MS Excel quickly complete a series of data. Series of data. देख आम जो कह एक्सेल सीट को आम कौन करुचे कैलकुलेशन पर्पोज रे यूज करुचे। एक्सेल सीट रे आम जी कह सीरीज सपोज मुझे कहली ये सीरीज टी को कौन करी डाटा को हूँ कैलकुलेट करी ताले कौन यूज करवा ऑटोफिल ऑटो कंप्लीट फाइल हैंडल सॉर्टिंग तो ऑप्शन नंबर। ओके देख क्विकली कम्प्लीट ए सीरीज अफ डाटा क्विकली कम्प्लीट ए सीरीज अफ डाटा जदि सपोज मोर ये गोटे मार्क अच्छी मार्क कलम तो मुझे गोटे कैलकुलेट करदेली बाकी सब कौन करी ड्राग करके कौन करी ड्राग करदेवी ताल अटोमेटिकाली कैलकुलेसन होमको आसब अटो फिल अपसन टी आम एक्सेल सीट्रे जाकि प्रथम सिलेक्ट करी जी अटो फिल करदे तो सबुतक हूँ क्विकली सीरीज टी फिलअप हो। आउ आम जी देखा MS Excel हूँ इजिली कैलकुलेशन करे इजिली कौन कर कैलकुलेशन पर्पोज रे कैलकुलेशन पर्पोज रे ही आम MS Excel को यूज करुचे तो अटो फिल पे जो मैंने कही ऑप्शन टी करेक्ट अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। इन MS Excel वैल्यू यूज्ड इन ए फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड डैश सेल एड्रेस कांस्टेंट फंक्शन नॉन ऑफ दिस। देख आम यदि कह सेल जदि आम कह फर्मूला फर्मूला जदि आम कौन करवा फर्मूला किसी चेंजेस हम ना जहाँ अच्छी जमी अच्छी सेमती ही रिच्छी चेंजेस हम ना आम कौन कह कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन तो हेनी सेल आड्रेस मान कौन आम जहाँ पुट करवा सेल रे से कौटे सेल आड्रेस देखा मानने जोटे कि ये देखा तेल आम सेल आड्रेस कौन अच्छी जदि आम कह चेज हेनी कांस्टेंट वैल्यू ही केवेले प्रोग्राम मानते जेकोसी जदि आम देखा एक्सेल हो कि कौन सी आप्लिकेसन में कन्स्टाट रैल्यू चेंजेस हुए ना तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम ऑप्शन इन एक्सेल 10, 100, 300, 500। देख कौटा हमें यदि करेक्ट ऑप्शन कह भर कौटा भर देख जूम डे आम देखा जी
वार्ड एक्सेल ओके देन होची आमर पावर पॉइंट आम जी देखा ये समस्त कौन हो पावर पॉइंट रे 400% ये हूँ 400% किंतु वार्ड रे केवल हूँ 500% ताले देखो या भितर कोठी हम ना यदि देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन इन एक्सेल एक्सेल ओके ओके वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आउ बाकी गुड़ी का हमें सिलेक्ट कर पारिबा तो ऑप्शन नंबर डी को ही कर पारिबे हमको बहुत समय पकेबा एग्जाम रे वार्ड नन एक्सेल नन पावर पॉइंट ये मैक्सिमम टाइम रे हूँ रिपीटेडली क्वेश्चन टी आसे ओके तो आम ये देखा यदि ऑप्शन नंबर डी जो मैंने कह करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ए ड्रॉइंग प्रिंटेड टेक्स्ट टू अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज डैश कीबोर्ड प्लॉटर स्कैनर वेमर देखो लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट ड्रॉइंग प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू इमेज ड्रॉइंग यदि कहिबा कोनोसी ड्रॉइंग को अदरवाइज इमेज को करि दबो कोठी रे कन्वर्शन करिबो डिजिटल फॉर्म में ओके वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी होची स्कैनर ही राइट ऑप्शन डिजिटल फॉर्म रे कन्वर्शन करिबो डिजिटल फॉर्म हेले कोन हबो स्कैनर होची करेक्ट ऑप्शन प्लॉटर होची देखो ये होची आउटपुट डिवाइस किंतु स्कैनर को हमें कहिबा कोन इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी आमर जीवो कोन इनपुट डिवाइस ओएमआर स्कैनर होची कोन ये होची मार्किंग को रिकॉग्नाइज करिबो मार्क बहुत समय एग्जाम रे पकाए भी ओएमआर कोन करूची ओसीआर कोनची एमआईसीआर कोन करूची तो आम देखा ओएमआर गोटे स्कैनर किंतु मार्क को रिकॉग्निशन करिबो तो एथिरे जदि देखा सी ऑप्शन टी करेक्ट अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पावर पॉइंट स्लाइड्स कैन हैव पावर पॉइंट रे कोन रही पारिबो टाइटल टेक्स्ट ग्राफ्स रखिबा ड्रॉन ऑब्जेक्ट रखिपारिबा और ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट रखिपारिबा शेप्स रखिपारिबा क्लिप आर्ट रखिपारिबा ड्रॉन आर्ट भी रखिपारिबा विजुअल्स रखिपारिबा ऑल ऑफ द एबव आमे कौन रखिपारिबा पावर पॉइंट रे पावर पॉइंट देखो आम ग्राफ्स रखिपारिबा टेक्स्ट रखिपारिबा टाइटल रखिपारिबा ड्रॉन ऑब्जेक्ट आम जब किसी चाहिबा भी ड्रॉन करिपारिबा ओके वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन आम देखा डी ऑप्शन टी ही करेक्ट आम सबू किसी विजुअल किसी यदि आम चाहिबा वीडियो को ऑडियो को जहाँ भी चाहिबा इठे रखिपारिबा तो सेतिपाई ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच मेन्यू इज यूज टू ओपन क्लोज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करिबा प्लस होची क्लोज करिपारिबा कोठिरे जाइके आमे करिपारिबा देखो फाइंड आउट करो टूल ऑप्शन विंडो ऑप्शन फाइल ऑप्शन बोथ ए एंड बी को ऑप्शन को गले आमे फाइल टी को ओपन करि परिबा यदि आमे कहबा ए जो पीपीटी फाइल टी आमे ओपन करि परिबा प्लस होची ता सहित क्लोज करि परिबा ओके देखो आमे विंडो ऑप्शन रे जाई करि परिबानी आमे देखबा इते जदि देखबा फाइल ऑप्शन टूल ऑप्शन नहीं यदि आमे कहबा फाइल ऑप्शन रे जाई फाइल को जाई ही आमे करि परिबा ओपन करि परिबा अदरवाइज न्यू करि परिबा सेव करि परिबा सेव एज करि परिबा ए सब ऑप्शन कोठे अवेलेबल फाइल ऑप्शन से वार्ड हो एक्सेल हो पावर पॉइंट हो सबुठी रे जदि देखिबा फाइल ऑप्शन रे ए सब ऑप्शन गुडी का अवेलेबल अछि तो सेति पय आमे लिखिबा कोन सी ऑप्शन टी करेक्ट अछि यदि फाइल को ओपन करि परिबा क्लोज करि परिबा तो सेति पय फाइल ऑप्शन टी कारण टूल ऑप्शन नै फाइल अछि होम अछि इंसर्ट अछि ए सब ऑप्शन अछि किंतु टूल ऑप्शन नहीं कि विंडोज ऑप्शन नहीं बोथ ए एंड बी भी करेक्ट हबनी तो जो माने कहछ सी बोली समस्तंकर आंसर करेक्ट अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी चार्ट टाइप्स आर अवेलेबल इन एक्सेल एक्सेल रे केते टाइप रो चार्ट अवेलेबल 12 11 18 20 केते टाइप रो चार्ट अवेलेबल आमे जदि देखिबा एक्सेल शीट रे देखो जदि आमे कहिबा इंसर्ट मेन्यू को जाकी चार्ट को क्लिक करिबा अदरवाइज शॉर्टकट की होचे F11 माने जदि आमे करिबा एक्जेक्टली 11 टा ही होचे करेक्ट ऑप्शन 11टा चार्ट टाइप अच्छी ओके तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट ऑप्शन डी 18 नुहे आम जब देखा 11 हूँ करेक्ट ऑप्शन ओके 12 हबनी 11टा अच्छी डिफरेंट टाइप रि लाइन चार्ट तापर हूँ तुम बार चार्ट ओके कलम चार्ट डिफरेंट टाइप रार्ट तुम जब जानवा चाहूँ एक्सेल सीट ओपन कर एक्सेल इनसर्ट ऑप्शन को जीव इनसर्ट्रे जा चार्ट ऑप्शन को क्लिक कर ना शॉर्टकट की सेफ 11 करदेव ताले तुमको अवेलेबल होतेटा चार्ट तुम्हें मैंने देखिपार तो 11 जो मैंने कही समस्त राइट ऑप्शन तो बी हूँ करेक्ट अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वुड यू चूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन ए न्यू नेम देख ये ऑप्शन कौन दे प्रेस कंट्रोल एस क्लिक फाइल सेव क्लिक टूल ऑप्शन सेव क्लिक फाइल सेव आज क्या द्वारा आम डॉक्यूमेंट टी सेव कर कि
ନୂଆ ନାଁରେ ନ୍ୟୁ ନେମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ କରିଦେଲେ ସେଭ୍ କରିଦେବା, କ୍ଲିକ୍ ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା, କ୍ଲିକ୍ ଟୁଲ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ସେଭ୍ କରିଦେଲେ ଇଏ ବି ସେଭ୍ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି କ'ଣ, ସେଭ୍ କରିବା ୱିଥ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ନେମ୍, ନ୍ୟୁ ନେମ୍ରେ ସେଭ୍ କରିବା। ନ୍ୟୁ ନେମ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭ୍ ଆଜ୍ କରିକି ଆମେ ନୂଆ ନାଁରେ ସେଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଟି, ନହେଲେ ବାକି ସବୁଠି ଆମେ ହେଉଛି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିପାରିବା। କେତେଟା ୱେରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା, ତିନିଟା ୱେରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଭ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଫ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ଫର୍ମରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରିନେମ୍ ବି କରିପାରିବା, ରିନେମ୍ ମାନେ ଫାଇଲ୍ର ନାଁଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁମାନେ କହିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥ୍ରୀ ୱେ କହିଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବି କରେକ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାଇ ଓ ସି ଆର୍ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ସୋ। ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଓ ସି ଆର୍ କ'ଣ, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନିସନ୍, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନିସନ୍, କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବ। ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି କରିବ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍, ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ, ସାଇଜ୍, ସେପ୍, କଲର୍ ଆଉ ୟୁଜ୍ ଇଙ୍କ, ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେପ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସିଏ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍, ଯେଉଁମାନେ କହିଛ ବି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ମେନ୍ସନ୍ ବିଲୋ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଟ୍ପୁଟ୍, ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଭିତରୁ କେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟି ସବୁଠୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପିକ୍ଚର ଇମେଜ୍ ମାନେ ଫଟୋ ହେଉଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଫ୍ଲଟର, ବୋଥ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କର କେଉଁଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିକି ଦେଖାଅ। ହଁ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାନ୍। ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଏ ନଏଜ୍ ଲେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପିକ୍ଚର ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି। ଓକେ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ସି ହେବନି, ସି ହେଉଛି ଫ୍ଲଟର, ହେଉଛି ଆମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତ ସି ହେବ ନାହିଁ, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଟ୍ପୁଟ୍। ବଟ୍ ଫ୍ଲଟର ହେଉ କି ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଉ, ଏଇସବୁ ଡିଭାଇସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଡିଭାଇସେସ୍, କିନ୍ତୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇମେଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହିଛ ବି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଜ୍ କମନ୍ଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍, ଯେ କିଛି କିଛି ଆମେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଦେଖିବା, ବୁକ୍ ହେଉ କି ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ସ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ତା'ର ଏମିତି ବାର୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାଇସ୍, ଓସିଆର୍, ସ୍କାନର୍, ବାରକୋଡ଼। ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ଼, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାନ୍, ବାରକୋଡ଼ ରିଡ଼ର। ବାରକୋଡ଼ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବା କିଛି ରିଟେଲ୍ ସପ୍କୁ, ସେ ବାରକୋଡ଼ଟି ଯେତେବେଳେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ତୁମକୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୋଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍, ବାରକୋଡ଼ ରିଡ଼ର, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବି ସି ଆର୍ ସ୍କାନର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବାରକୋଡ଼କୁ ରିଡ଼୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଯିବ, କାହାର ପ୍ୟାକେଜ୍, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଓକେ, ଅଫିସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଯିବ, ୱାର୍ଡ, ଏକ୍ସେଲ୍, ଓକେ ଏକ୍ସେଲ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଟାବେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ଡାଟାବେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ଆମର ପଚାରିଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ତ ସମସ୍ତେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛୁ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ ଅପ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଆଟ୍ ଆନଦର୍ ପ୍ଲେସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ରିମୁଭିଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ରିମୁଭ୍ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା, ରୋଟେଟ୍, କପି ପେଷ୍ଟ, ଡିଲିଟ୍, ରିମୁଭ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ୱାନ୍, ଯଦି ଆମେ କହିବା ହଁ ବି କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ କହିଛ, କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟି ଡିଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ କମାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆଲାଇନ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ, ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆର୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯଦି କହିବା ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ ବି ୟୁଜ୍ କରୁ। ତ ଏଇ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇ ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍, ଯଦି କହିବା ସେଣ୍ଟରରେ, ଲେଫ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଲ୍, ଓକେ ରାଇଟ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆର୍। ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହିଛ ବି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍,
होम मेन्यू, फाइल मेन्यू, इनसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, कोउठिरे जाई कि आमे प्रोटेक्ट करि परबा, प्रोटेक्ट करि परबा जे कोनसी मनकर वर्ड फाइल को चाहिले करि परबा, एक्सेल को भी चाहिले करि परबा कि पावर पॉइंट को भी चाहिले करि परबा, किंतु आमर एठे देछि कोन प्रोटेक्ट सीट को करबा, माने कोन एक्सेल सीट, एक्सेल सीट को प्रोटेक्शन करबा। ओके देखो हमें देखिबा यदि कोन फाइल ऑप्शन को जाई कि ही फाइल ऑप्शन रे ही करि हबो, फॉर्मेट रे करि हबनी, फाइल रो इन्फो को तुम्हें माने देखिया को चाहौ छ, यदि देखिबो फाइल को जीवो इन्फो ऑप्शन को क्लिक करिवो सेठ गोटे थाए प्रोटेक्शन, फाइल को प्रोटेक्टेड मोड रे आमे रखी पारिबा। ओके ताले कोन हबो एटा फाइल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होम रे होची, फाइल परे होम आसीबो, तो सेति पई देखिले कोन फाइल ऑप्शन टी करेक्ट अछि, ऑप्शन नंबर। ओके तो आमर फाइल ऑप्शन टी करेक्ट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, कंट्रोल प्लस पेज अप विल टेक यू टू डैश इन एक्सेल। आमे यदि कंट्रोल यदि कहिबा कंट्रोल प्लस पेज अप, पेज अप आ गोटे पेज डाउन यूज करू, पेज अप आ पेज डाउन द्वारा आमे कोठी की जाई परबा, प्रीवियस सीट को, नेक्स्ट सीट को, लास्ट सेल इन द कॉलम, फर्स्ट सेल इन द कॉलम। ओके यदि आमे कहिबा प्रीवियस, ओके देखो फर्स्ट सेल होची यदि आमे कहिबा कोन कंट्रोल प्लस होम, लास्ट सेल होची कोन कंट्रोल प्लस एंड। ओके प्रीवियस सीट माने कोन यदि आमे कहिबा प्रीवियस सीट टी करेक्ट अछि, यदि तुम्हें कंट्रोल प्लस पेज अप ऑप्शन को क्लिक करिबो ताले नेक्स्ट प्रीवियस सीट को, ओके राइट ऑप्शन देछ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट अछि, किंतु नेक्स्ट सीट को जीवा को हेले कंट्रोल प्लस पेज डाउन यदि कर दबा नेक्स्ट सीट को पळे जीवा। आमे देखि जे एक्सेल सीट रे सीट एमती ओपन थाए, सीट एटा होची गोटे गोटे सीट, ओके एटा होची कोन वर्कबुक, वर्कबुक भितरे थाए कोन वर्कशीट, वर्कशीट गुड़िक। ओके से वर्कशीट को आम जी प्रीवियस को जीवाक चाहूचे कंट्रोल प्लस पेज अप करदे, यदि पर पेज को जीवाक चाहूचे कंट्रोल प्लस पेज डाउन करदे। ओके ताले कौन हम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन, ये मैक्सिमम टाइम रे बहुत एग्जाम रे रिपीटेडली आसे, डेट आउ टाइम आम कौटी पाइबा, टैक्स बार, स्टेटस बार, आम जब देखा सिस्टम ट्रे, मेन्यू बार, कौटी आम देखा डेट आउ टाइम, हाँ एक्जाक्टली देखा टैक्स बार रे, टैक्स बार रे जी आम जी आउ बहुत समय भी पचारे जे आम डेट आउ टाइम को जाकि कौटी चेंज करवा, आम यदि देखा यहाँ को जाकि कंट्रोल पैनल रे चेंज करवा, डेट आउ टाइम को चेंज करवा को हेले आम डायरेक्टली जाकि चेंज करें, स्टार्ट बटन रु जाकि कंट्रोल पैनल को जीवा, कंट्रोल पैनल रे जाकि चेंज करवा, किंतु ये हूँ टैक्स बार रे रहिबो, तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट एनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यूटिलिटी बोथ एंड बी। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट एनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जी हूँ कौन करे किए ताले हेल्प कर, हाँ एक्जाक्टली ऑप्शन नंबर ए समस्ते, सॉफ्टवेयर होची सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, सीए हेल्प करे कहा को हार्डवेयर को, माने हार्डवेयर द्वारा सॉफ्टवेयर ही रन करी, तो ऑप्शन नंबर ए समस्ते राइट आंसर दे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर अरिथमेटिक ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ऑल ऑफ द एबव। देख आम यदि कहबा कौन कंप्यूटर को टाइप रा ऑपरेशन करा जाए, ए ल्यू रे आमर कौन हुए अरिथमेटिकल आउ लॉजिकल ऑपरेशन हुए, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ओके बट एट्रे देछि कोन अरिथमेटिकल ऑपरेशन, आउ गोटे प्लेस देछि सी ऑप्शन रे लॉजिकल ऑपरेशन, इनपुट भी आउटपुट दोचे सेति पे कोन हबो राइट ऑप्शन टी, ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट ऑप्शन। ओके तो जो माने कहिछो ऑप्शन नंबर डी बोली समस्तंकर आंसर करेक्ट अछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द फॉर्मूला इन एक्सेल आर मेड अप ऑफ arithmetical operator and function, only arithmetical function, only mathematical function, okay arithmetical function aa gote hochi arithmetical operator only symbols, dekho ame idi dekhiba excel sheet re jo operation diya hetai se amara ko kaha ko nei ki tyari hobo, dekho only symbols ko nei amara formulas deichi, formula dekho mu abe jodi kahibi sum function formulas gudiko, okay to arithmetical operator and function, to option number a hochi correct option।
तो ऑपरेटर रहिला इक्वल टू ऑपरेटर सम फंक्शन तो से ये हम कौन अरिथमेटिकल ऑपरेटर एंड फंक्शन तो ऑप्शन नंबर ए हूँ जो मैंने कही समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली इन एमएस वर्ड वन टू मोर देन टू एनी नंबर जदि आम एम एस वर्ड में काम करने को चाहूँ साइमल्टेनियसली आम के ओके ऑप्शन नंबर ए वो ए ही करेक्ट अच्छे आम गोटे ही कम कर किंतु ये नहीं जे आम मल्टीपल ऑप्शन मोर दैन टू ऑप्शन हो पारन एक्सेल आम वार्ड में जिते बेले भी कम करवा गोटे सीट्रे कम सरला नेक्स्ट सीट को जी तो से ऑप्शन नंबर ए जो मैंने कही समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ओके हाँ ओनली वन ऑप्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कंप्रेस लार्ज फाइल इनटू स्मॉलर फाइल विनजिप विनश्रिंक विनस्टाइल नन अफ द एब का द्वारा आम कर स्मॉलर फाइल आम जो लार्ज फाइल को सेंड करबा को चाहूचे माने शेयर करबा को चाहूचे मेल द्वारा तो आम केमी शेयर करूचे ओके विनजिप होची राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट ऑप्शन विनजिप द्वारा आम कौन करूचे कंप्रेस कर दूचे फाइल टी को फाइल टी को आम सेंड कर पार्चे जेहेतु फाइल साइज बहुत अधिक हो जाए से आम विनजिप द्वारा ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट बियर्स द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर इज नोन एज डैश टूल बार कंट्रोल पैनल मेन्यू बार टाइटल बार आम तो जो ऊपर गोटे रही थाए जेतेबेले ओके जेतेबेले आम देखा जे गोटे कौन विंडोज रे रहे विंडोज जेको माने जेकोसी आम ओपन करूँ वार्ड हो कि एक्सेल हो हाँ एक्जाक्टली वेरी गुड ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट ऑप्शन टाइटल बार ही हूँ आम कौन हो जो आम वार्ड हो कि एक्सेल हो कि पावर पॉइंट हो कि डेटाबेस हो तो टाइटल बार ही तार होची सॉफ्टवेयर रा ना टी को आमको विजिबल करै था तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोथ ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव कौन करे सॉफ्टवेयर सबुबेले कौन करिबा एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन कैपेबिलिटी देखो नॉन ऑफ द अबव हबनी बोथ अबव द अबव हबनी आम देखा कहीं इनक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हबनी देख आम यदि देखा ये कैपेबिलिटी कहार करे हार्डवेयर मेसीन रि जी दे था ओनली हार्डवेयर दे था इनकरेक्ट हो जाता हार्डवेयर मेसीन देखें ऑप्शन नंबर ए कारण मेसीन रैपेबिलिटी को ही इनक्रीज करें कहा किए सफ्टवेयर तो से आम लिखा ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द नेम बॉक्स अपीयर एट द ए क्वेश्चन बारंबार आसे नेम बॉक्स आ गोटे फॉर्मूला बार ओके नेम बॉक्स कौटी थाए लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार बिलो द स्टेटस बार राइट ऑफ द फॉर्मूला बार बिलो द मेन्यू बार कौटी रहे ओके एक्जाक्टली तो राइट आंसर देछ ऑप्शन नंबर ए होची लेफ्ट ऑफ द जदि आम कह फॉर्मूला बार सब बेले कौन होची फॉर्मूला बार रो साइड रे कौन रहइबो जोटा नेम ऑफ द जदि कह बॉक्स ओके नेम ऑफ द बॉक्स होची हमर कोन ए साइड रे रहइबो लेफ्ट साइड रो टॉप मोस्ट बहुत समय पचारे ये को पोजीशन रे रहे टॉप मोस्ट पोजीशन रे तो आम देखा ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट ऑप्शन तो समस्ते भी राइट आंसर देछ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स फॉन्ट ओपन करबा को चाहूचे ताले को ऑप्शन द्वारा आम ओपन कर पारिबा कंट्रोल एफ कंट्रोल एच कंट्रोल डी कंट्रोल जी ओके देखो कंट्रोल एफ माने कौन फाइंड करिबा माने सर्च करिबा कंट्रोल एच माने कौन जदि आम कह गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हबो ओके तो कंट्रोल एच जदि आम कह कंट्रोल जी माने कौन ओके इटा होची फाइंड फाइंड अदरवाइज सर्च कंट्रोल जी माने कौन रिप्लेस तो एक्जाक्टली ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट ऑप्शन सी सी कहीं आम जब देखा कंट्रोल डी जदि तुम्हें ओपन कर वार्ड रे ताहले होची कंट्रोल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स फॉन्ट रो होची कौन आम डिफरेंट डिजाइन स्टाइल थाए फॉन्ट होची स्टाइल फॉन्ट कलर ओके ताहले आम कौन लिखा ऑप्शन नंबर देख डी जी हबनी माने कंट्रोल जी हबनी कि आम कंट्रोल डी टी हम करेक्ट ऑप्शन कंट्रोल सी हम करेक्ट ऑप्शन ओके ये होची गो टू डायलॉग बॉक्स गो टू देन होची ये कौन रिप्लेस ओके सर्च ये होची कौन फॉन्ट डायलॉग तो से आम कौन लिखा सी हूँ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लानेटोरी टेक्स्ट अटैच्ड टू ए सेल सेल रे किसी एक्सट्रा एक्सट्रा इनफर्मेशन देवाक चाहूचे आम कौटे जाड करवा
कंटेक्स इंसर्ट कमेंट डायलॉग प्लान देख जदि आम कह एक्जाक्टली ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट ऑप्शन आपको आम केमी एड कर शिफ्ट प्लस एफ टू द्वारा एड कर भी डायरेक्टली कमेंट सेक्शन ना इनसर्ट रे राइट क्लिक करी आम कमेंट सेक्शन एड कर ओके तो ऑप्शन नंबर सी समस्ते राइट आंसर दिए दे क्वेश्चन बारंबार एग्जाम रे आसे यदि आम देखा कमेंट हूँ कौटी रही था इनसर्ट जदि आम कह इनसर्ट रे कमेंट जा कमेंट एड कर ना कमेंट डायरेक्टली एड कर ना आम कौटे रही पार शिफ्ट हूँ एफ टू हूँ शॉर्टकट की नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड बॉक्स सेल ग्रिड टेबल रो कॉलम रा इंटरसेक्शन रो होची एटा ओके कॉलम होची एटा कॉलम रो कॉलम रा इंटरसेक्शन रे कौन हुए जो स्मॉलेस्ट आसे ताको एक्जाक्टली कौन कह जाए सेल रो कॉलम रा इंटरसेक्शन रे हमरा सेल ओके राइट आंसर दे छ तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नॉन ऑफ द एबव ओके देखो आ भीतर कोटा होची करेक्ट ऑप्शन हाँ एक्जाक्टली कौन कंटिन्यूस सिग्नल एनालॉग होची कंप्यूटर कौन कर कंटिन्यूस सिग्नल को नब कि डिजिटल होची कौन डिस्क्रीट सिग्नल आदि हाइब्रिड दीटार कॉम्बिनेशन ओके तो से कौन हम ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इज पे एमती टाइप रोटे क्वेश्चन ही डिस्कसन करते फास्ट रे तो ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें कह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंस्टेंट प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर नॉन ऑफ द एबव फाइंड आउट करो कौटा हूँ आम देखा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हाँ एक्जाक्टली तो इंकजेट प्रिंटर रे हूँ कौन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कि हाई क्वालिटी प्रिंटर किए लेजर प्रिंटर सबुठ गुड क्वालिटी रा पिक्चर प्रोवाइड करे तो ऑप्शन नंबर बी जो मैंने कही समस्त आंसर करेक्ट अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट कंटेंट्स टैब कंट्रोल प्लस एंटर एंटर ऑल्ट प्लस एंटर आम कौन प्रेस कले जे सेल एक्सेप्ट कर तुम टाइपिंग को ओके एंटर जदि आम प्रेस करवा कौन करवामर आक्सेप्ट करो ऑप्शन टी करेक्ट हम तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट ऑप्शन ओके तो राइट आंसर भी समस्ते ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैंडी टू कैरी एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क सीडी रोम नॉन ऑफ दिस देन देखो जदि आम कह सबुतक कौन हो सेकेंडरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज जदि देखा बर्तमान आम रैपिडली यूज करुचे कौन यूएसबी यूएसबी माने पेन ड्राइव को यूज करुचे पेन ड्राइव रो जो यूएसबी रो फुल फॉर्म पचारे यूनिवर्सल सीरियल बस ओके सीरियल बस बट ये देखा कि एक्जाक्टली हार्ड डिस्क हूँ राइट फ्लॉपी डिस्क लेस अमाउंट रो स्टोर करे हार्ड सीडी रोम भी लेस अमाउंट रो तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा समस्ते भी राइट आंसर दे नेक्स्ट क्वेश्चन देख कंट्रोल ए ऑप्शन इज यूज टू अलाइन राइट सिलेक्ट ऑल बोल्ड फॉन्ट सेव डॉक्यूमेंट ओके अलाइन राइट जदि कह कंट्रोल प्लस जदि कह आर सिलेक्ट ऑल माने कौन कंट्रोल प्लस ए बोल्ड फॉन्ट माने कंट्रोल प्लस बी सेव डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एस ताले या भीतर को ऑप्शन टी ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट ऑप्शन तो समस्ते राइट आंसर दे बी हूँ करेक्ट अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी किए या भीतर टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी को अदरवाइज आम कहीपर वोलाटाइल मेमोरी देख क्या भितर किए देख वोलाटाइल मेमोरी कम समय पर डाटा को ओके राम वेरी गुड समस्ते राइट आंसर दे ऑप्शन नंबर बी राम ही आमर कम टाइम पर डाटा को स्टोर कर रखे कि बाकी पी रम ई रम इपिरम युवाक सबुतक कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी ओके देख ऑल तो हेनी युवाक बाकी सबुतक जब देखिए ये हूँ हाँ एक्जाक्टली न जब कह ऑल ऑप्शन गुड़िक हम नॉन वोलाटाइल परमानेंटली स्टोरेज कर तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या भितर किए लैंग्वेज नुहे विंडोज पास्कल बेसिक कोबल आ भितर देख किए हूँ लांगुएज नुहे पास्कल गोटे लांगुएज बेसिक गोटे लांगुएज कबल गोटे लांगुएज ये तीन टा हूँ कौ जेनेसन रार्ड जेनेसन रांगुएज थार्ड जेनेसन ओके त
तो उन्डो समस्त राइट आंसर देछो ऑप्शन नंबर ए होची उन्डो सोची प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द न्यू सिलेक्टेड फॉन्ट अप्लाई टू फुल डॉक्यूमेंट ऑल द टेक्स्ट अबव द करंट कर्सर पोजीशन द सिलेक्टेड टेक्स्ट ओनली इन हेडिंग। आमे यदि कौन करिबा सिलेक्टेड फॉन्ट अप्लाई करिया को चाहुचे कोउठे जाय के अप्लाई कर परबा फुल डॉक्यूमेंट रे अप्लाई करिबा ना आमे टेक्स्ट अबव द करंट क्रसर पोजीशन माने जो पोजीशन रे अछि ना सिलेक्टेड टेक्स्ट रे अप्लाई करिबा ना ओनली हेडिंग रे जेते बेले जो कंटेंट को आमे सिलेक्ट करथिबा सेही कंटेंट रे ही अप्लाई कर परबा। देखो करंट क्रसर पोजीशन रे त आमे कहि परबा नी क्रसर एठी अछि माने ये सिलेक्टेड हबो बोली आमर किछि माने नाही ना आमे ए ऑप्शन को सिलेक्ट करबा कोले हमको सिलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करिया पड़िबो अदरवाइज आकु आमे सिलेक्ट करिले तापर जाई कि ये होची हमरो फॉन्ट अप्लाई हे परबो तो सिलेक्टेड टेक्स्ट ही तो ऑप्शन सी होची करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो आ भितरे किए होची ऑपरेटिंग सिस्टम नुए डॉस लिनक्स विंडोज एमएस ऑफिस फाइंड आउट करो कोटा होची करेक्ट ऑप्शन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस लिनक्स विंडोज एमएस। ओके राइट आंसर देछ एमएस ऑफिस टी नुए ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट ऑप्शन ये होची पूरा पैकेज बट एउडा को सब देखिबा ये होची गोटे होची कोन ऑफिस टी होची कोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके बाकी सब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर अंडर रे जिबे बस सिस्टम सॉफ्टवेयर रो कोन ये होची ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके तो ऑप्शन नंबर पिलाने जो माने कहिछो डी बोली समस्तंगर आंसर करेक्ट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम रे जिबो सेति माने डी ही जो माने कहिछो समस्तंगर आंसर करेक्ट अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एमआईसीआर स्टैंड फॉर प्लान देखो जेमति कि कहली एमआईसीआर ओसीआर बीसीआर। ओके ए सब फुल फॉर्म एग्जाम रे बहुत समय रे पक्काए तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रिकॉर्ड मैग्नेटिक इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रीजन माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग आ भितर हाँ एक्जाक्टली ऑप्शन नंबर ए समस्त राइट आंसर देछ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बाय डिफॉल्ट द सेल अलाइन सेल कंटेंट अलाइनमेंट सेल रे जो कंटेंट अलाइनमेंट हबो लेन अलाइनमेंट माने जोडा कि लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन नंबर राइट टेक्स्ट राइट नंबर लेफ्ट सेंट्रली अलाइन ये क्वेश्चन टी भी बारंबार एग्जाम रे आसे आमे देखिबा डिफॉल्ट केमिति अरेंजमेंट हबो हां एक्जेक्टली ऑप्शन नंबर बी ही समस्त राइट आंसर देछो तो टेक्स्ट होची लेफ्ट अलाइन आ नंबर होची राइट अलाइनमेंट। ओके तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाई टू एमएस वर्ड एमएस वर्ड रे आमे काहा को अप्लाई करि परबा कंट्रोल प्लस आई कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस यू ऑल ऑफ दिस प्रेस कंट्रोल प्लस आई टू इटैलिसाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस कंट्रोल बी टू होल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके सॉरी एटा बोल्ड द टेक्स्ट बोल्ड द आमे दि कहबा बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट कंट्रोल यू होची अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके ऑल ऑफ दिस होची करेक्ट ऑप्शन यदि आमे कहबा इटैलिसाइज पई कंट्रोल आई बोल्ड पई कंट्रोल बी अंडरलाइन पई कंट्रोल यू यूज करिया तो ऑप्शन नंबर डी समस्त राइट आंसर देछ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट टाइम्स न्यू रोमन एरियल कैलिब्री नॉन ऑफ दिस कोउटी आमर करेक्ट ऑप्शन हबो। ओके कोउटी देखो पिलाने करेक्ट ऑप्शन टी फाइंड आउट करो को स्टाइल को आमे यूज करूचे हाँ एक्जाक्टली कैलिब्री होचे डिफॉल्ट स्टाइल आ फॉन्ट रो साइज केते 11 होचे डिफॉल्ट साइज ता परे भी आमे यूज कर पाए देखो टाइम्स न्यू रोमन हबनी डिफॉल्ट होची कैलिब्री स्टाइल आ फॉन्ट रो माने डिफॉल्ट साइज केते 11 ही रहइबो आमे नो सिलेक्ट करले भी से 11 बाय डिफॉल्ट आसीबो तापर आमे साइज को सिलेक्ट करू छे। ओके तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज ए पावर पॉइंट स्लाइड अदरवाइज एक्सेल साइड कहा को आमे यूज करकी यूज करि परबा क्लोज करि परबा कंट्रोल एक्स कंट्रोल ओ कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल ए कहा द्वारा आमे करि परबा देखो कंट्रोल एस होची कोन कट पाए कंट्रोल ओ माने कोन ओपन पाए कंट्रोल डब्ल्यू माने एक्जाक्टली ओके वेरी गुड कंट्रोल डब्ल्यू माने आमे क्लोज पाए कंट्रोल एफ एल माने आमे कोन होची लेफ्ट अलाइन त आमे देखिबा कोन एठरे क्लोज पाए कंट्रोल डब्ल्यू तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा समस्त भी राइट आंसर देइछ नेक्स्ट क्वेश्चन तो रिसेंटली डिलीटेड फाइल आर स्टोर इन जो फाइल को हमें रिसेंटली डिलीटेड कर देछे डिलीटेड फाइल जेतेबेले करछे देख परमानेंटली डिलीट करिया पई कोन यूज करबा शिफ्ट प्लस डिलीट यूज कराछे शिफ्ट प्लस डिलीट कर देले आउ होची हमर रिसाइक्लिंग बिन रे मेमोरी ऑक्युपाई करिबनी तो रिसाइक्लिंग बिन रे के को रहिबो रिसेंटली डिलीटेड फाइल को खाली डिलीट करछे ओनली रिसाइकल बिन डेस्कटॉप टास्क बार माय कंप्यूटर देछि तो रिसाइकल बिन होची करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर ए समस्त भी राइट आंसर देछो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द स्पेलिंग चेक इन डॉक्यूमेंट स्पेलिंग चेक अदरवाइज रिफ्रेशिंग नाइ हेल्प बटन नहने रीनेम ए सब तक मु गोटे ऑप्शन रे रखी देछि तुम माने एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट अछि स्पेलिंग चेक कर पाए एफ1 होची हमें कोन हेल्प पाए एफ2 होची रीनेम ए फाइल एफ फाइव होची आमे रिफ्रेश करबा ओके तो ऑप्शन नंबर समस्त भी राइट आंसर देछो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट ऑप्शन देखो एफ वन टी हेल्प ये भी तुम्हारे गला बर्षर क्वेश्चन में पकईला कौ ऑप्शन टी आमे जदि देखिबा पकोची बहुत समय हेल्प पाई किए यूज कराऊची रीनेम पाई नहने जोडा की रिफ्रेश पाई किए यूज करा जाए का माने कौ शॉर्टकट की तो या भीतर देखिला आमे एफ7 टी होची करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 1 किलोबाइट इज डैश बिट्स ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बट इजी आंसर 1024 2000 8192 8192 1000 ओके देख बिलान इते 1 किलोबाइट पछि आछि ताले हमें कोन जानि छी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट ताले 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट हाँ एक्जाक्टली होची ऑप्शन नंबर सी होची यदि देखिबा 1024 रे 8 के बेबी हमकु दबनी यदि हमकु देई थान त एमती 1024 प्लस 8 कर कि मल्टीप्लाई कर देले हमर केते हि जीवो ओके त केते हला देखो हे गला 8192 ये हमर कंफ्यूजिंग खाली करिया पे क्वेश्चन देखो ई बहुत समय रे आकु भी आ गोटे पचारे एग्जाम रे के होची सबटु लोअर मोस्ट बिट लोअर मोस्ट आ गोटे किए होची सबटु हाईएस्ट मोस्ट तुमको देई थिबो एमती बिट बाइट ओके किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट्स टेराबाइट्स तुमको देई थिबो कोठी लेस रे किए बिट रे हाईएस्ट रे होची कोन टीबी रे ओके तो यही अरेंजमेंट टी प्राय समय एग्जाम रे पकाए जस्ट कंफ्यूजिंग करिया पई होची क्वेश्चन टी अछि देखिया को गले सी होची करेक्ट ऑप्शन ये हमको केबे भी कैलकुलेशन पई रियली दिए केबे भी कैलकुलेशन दबनी जदि दब एमिति फॉर्म रे 1024 प्लस एमिति कह के इनटू करके 8 दब एमिति दिए नाही बट एबे जस्ट जाय आमी डिस्कशन पई गोडे एमिति टाइप रो क्वेश्चन रखी थले ओके नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज नोन एज द जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोटोकॉल मीडिया नॉर्म दिस जियोमेट्रिक माने कोन होची अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस को कौन कहा जाए हाँ वेरी गुड ऑप्शन नंबर ए होची टोपोलॉजी प्रोटोकॉल्स होची कौन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ट्रांसफरिंग डाटा वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम ओके तो टोपोलॉजी समस्त राइट आंसर देछो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द इंटरनेट अलाउज द यूजर टू सेंडिंग मेल View web page, connect to server, all of this. Okay, sending mail, internet allows the user to. Very good. Option number D, karna me mail send kari pariba, view page kari pariba, server sahita connect kari pariba. To option number D hochi correct option. Okay, next question dekhiba, to samaste bhi right answer deicho, D hochi correct hachi. नेक्स्ट व्हिच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो को फाइल फॉर्मेट को हमें ऐड करी परबा .gif .jpg .web ऑल ऑफ द अबव देखो ताले हमें कोन gif होची कोन जोडा की तुम्हारे देखो ऑडियो प्लस वीडियो ओके वीडियो प्लस इमेज हमें सब को ऐड करी परबा देखो ऑडियो वीडियो आ होची इमेज फाइल को ऐड करी परबा सेति पई ऑल ऑफ द अबव होची राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट ऑप्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आउ लास्ट क्वेश्चन आचिर एफटीपी मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल टेलनेट प्रोटोकॉल फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग फाइन ट्यूनिंग प्रोग्राम
देख ताले एफटीपी कौन हाँ एक्जाक्टली फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये बहुत समय पकाए एसटीटीपी ओके ना टीसीपी आईपी पकेब ना पकई था टीसीपी आईपी ना पकई था एफटीपी ए सबुटर फुल फॉर्म एसटीटीपी जमी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी हूँ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एफटीपी मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये हूँ फाइल को ट्रांसफर करने यूज कराए ओके तो आज सेक्शन में देख आम मोस्ट इम्पोर्टेंट जब कह 50 क्वेश्चन आम सॉल्व करदे नेक्स्ट सेक्शन में मुझे नेक्स्ट आहरी 50 क्वेश्चन लेकिन आसबि जोटा कि कंप्यूटर रिलेटेड देख इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकिन आसबि ओके थैंक यू फॉर वाचिंग।